Students, let's see our next poem, the bowl poem, first flight. Introduction dekh lete hain. The poet John Merriman, Berryman, through his poem, the bowl poem, has described the reality of life which everyone has to face one day. He has touched the topic of how to stand up against the miseries and सोरोस ऑफ लाइफ. तो जो पोएट जो है जॉन बैरीमैन, उनकी जो ये पोएम है बोल पोएम, वो जो डिस्क्राइब करती है रियलिटी ऑफ लाइफ की, जो कि हर एक को किसी न किसी दिन एक न एक दिन जो है फेस करना रहता है. और एक टॉपिक उन्होंने जो है टच किया है कि हमें कैसे स्टैंड रहना लेना चाहिए अगेंस्ट अनहैप्पीनेस और सोरो जो लाइफ में होता है. अगर आप अनहैप्पी हो अपनी लाइफ में और बहुत पेन है आपकी लाइफ में, तो उसमें आप कैसे स्टैंड ले सकते हो, उसके अगेंस्ट कैसे खड़े हो सकते हो. फर्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं. इसको स्टैंजा वाइज में डिवाइड किया हुआ है. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. एंड मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वॉटर. मैरिली मीन्स एक तरह से जो है कि अनकंफर्टेबल वो फील कर रहा है. तो उसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं. द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट हिम एंड हिज रिएक्शन बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल. तो पोएट जो एक लड़के की बात कर रहे हैं जिसने अपनी बॉल जो है वो खोदी है, और वो ये जानना चाहते हैं, उसका रिएक्शन देखना चाहते हैं, क्योंकि उसकी जो बॉल है वो लॉस्ट हो चुकी है. फर्दर ही आस्क टू हिमसेल्फ दैट व्हाट दिस बॉय विल डू आफ्टर लूजिंग हिज बॉल. द पोएट हैज सीन द बॉल गोइंग अवे फ्रॉम द बॉय. तो उसके आगे जो पोएट जो है वो अपने आप से ये कहते कि अब ये लड़का जो बॉय जो है वो करेगा क्या, अपनी उसकी जो बॉल जो है वो लॉस्ट हो गई तो उसके बारे में वो क्या करेगा. और पोएट एक ही चीज़ जो दिखा बता रहे हैं वो ये है कि वो लड़का जो है देख रहा है कि उसकी बॉल जो है उससे दूर जा रही है. ही सेज दैट द बॉल वॉज चेयरफुली जंपिंग अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट. दिस मीन्स दैट व्हेन द बॉल स्लिप्ड फ्रॉम बॉयज हैंड इट वेंट इन टू द स्ट्रीट एंड लेटर ऑन इट फेल इन टू द नियर बाय रिवर. तो पोएट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बॉल जो है चेयरफुली जो है जंप कर रहा है अप एंड डाउन स्ट्रीट पर, और इसका मीनिंग है कि जो बॉल जो है वो लड़के के हाथ से छूट जाती है जिससे वो जो है स्ट्रीट पर चली जाती है और उसके बाद जो है वो पानी में गिर जाती है, रिवर में गिर जाती है. नेक्स्ट देख लेते हैं. नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल. Staring down all his young days into the harbor where his ball went, I wouldn't intrude on him. I deem another ball, it's worthless. Now he senses first responsibility. The poet says that there is no benefit of counseling the boy by saying that he will get another ball because he has other balls too. तो पोएट यहाँ पे ये कहने जाते हैं कि इसमें कोई बेनिफिट नहीं है किसी भी कंसर्न करने का लड़के को ये कहने का कि वो दूसरा बॉल ले ले, क्योंकि उसके ऑलरेडी दूसरे बॉल्स होंगे खेलने के लिए. ही सेज सो बिकॉज द बॉय इज फीलिंग वेरी सैड. वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि लड़का जो है बहुत सैड हो गया होता है, बहुत फीलिंग जो उसकी जो फीलिंग्स है वो बहुत सैड हो गई होती है, क्योंकि उसने वो बॉल जो है लॉस्ट हो गए होते उससे. ही इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय सोरो. तो वो पूरी तरह से जो है पेन में था. ही सेड बिकॉज ऑल द मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड डेज वेंट डाउन द हर्बर विद द बॉल. तो वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी जो सारी मेमोरीज जो थी लड़के की, चाइल्डहुड मेमोरीज जितनी भी थी, वो उस बॉल के संग जो है रिवर में चली गई, यानी कि वो जो बॉल जो है वो रिवर में चली गई, जिससे उसकी जो सारी मेमोरीज जो थी वो भी लॉस्ट हो गई. Here the poet says that the boy is very sad as the ball which has gone into the water reminds him of those sweet memories of the time when he owned it. तो यहाँ पे पोएट ये कहते हैं कि लड़का sad इसलिए भी है क्योंकि वो जो ball जो है जो पानी में चली गई है
तो उस हिसाब से उसकी जो स्वीट मेमोरीज जो है वो भी उस पानी में चली गई है, जब उसने वो ऑन किया था, यानी जब उसने वो बॉल जब लिया था तब उसकी एक स्वीट मेमोरी। जैसे वो सैड हो गया है। दिस लॉस इज अनबियरेबल फॉर हिम एंड ही इज ग्रीफ स्ट्रिकन। तो यहाँ पे जो लॉस जो उसे हुआ है वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और जो है एक तरह से जो है कि वो जो बॉल जो उसको जो बॉल जो लॉस हो गई उससे उसकी जो स्वीट मेमोरीज जो थी वो सारी की सारी खत्म हो गई, उसका अटैचमेंट जो उस बॉल से था वो खत्म हो गया। द पोएट सेज दैट He can't even tell the boy to take some money from him to in order to buy another ball. तो यहाँ पे poet ये भी कहते हैं कि वो उस लड़के को ये भी नहीं कह सकते कि तुम मुझसे थोड़े से पैसे ले लो, दूसरी ball जो है वो buy करो, कि दूसरा ball आप खरीद लो। He says so because the new ball will not bring the sense of belonging to the boy. तो यहाँ पे poet ये कहते हैं कि इनके सगे वो नया ball ले भी लेता है, अगर वो नया बॉल खरीद भी लेगा तो उसकी जो स्वीट मेमोरीज जो उस ओल्ड बॉल के संग जो थी, उसका चाइल्डहुड जो पूरी मेमोरीज जो उसके संग अटैच थी, वो नए बॉल में उसको इतनी नहीं मिलेगी। इसलिए पोएट यहाँ पे ये कहते हैं कि नया बॉल लेने से उसकी जो सेंस जो है, उसका जो स्वीट मेमोरी जो है वो वापस तो नहीं आएंगी। फर्दर द पोएट सेज दैट द टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय टू लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज थिंग्स। तो यहाँ पे पोएट ये कहती है कि अब ये टाइम आ चुका है कि उस लड़के को ये सीखना होगा, कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखनी होगी उसे, कि किस तरह से उसे अपनी जो थिंग्स जो है उसकी केयर करनी होगी। दैट मीन्स के अगर उसे वो मेमोरीज जो है अगर उसको उसको बचा के रखना है अपने पास, तो उसको उसके लिए जो थिंग्स जो उसके पास है जिसमें उसकी स्वीट मेमोरीज है उसकी देख लेते हैं। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेसंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन बायस अ बॉल बैक। मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो many days, how to stand up. Here the poet says that the boy has to learn that in this materialistic world many of his belongings will be lost. तो poet यहाँ पर ये कहते हैं कि लड़की को जो है ये सीखना ज़रूरी है कि जो materialistic world जो है उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत से ऐसे time आएगा जब आप बहुत सारी चीज़ें lost कर दोगे। हर personifies the ball as his belongings, be it the worldly things or the relationships he is in possession of. तो यहाँ पे एक personifies करते बॉल को, जो कि उसकी स्वीट मेमोरीज थी और जो कि उसकी चाइल्डहुड जो है एक तरह से कह सकते हैं कि उसका एक रिलेशन था उसके संग, उस बॉल के संग, जो कि ख़त्म हो गया है। So he says that he has to learn to live without them no matter what. तो यहाँ पर वो poet ये कहते हैं कि उसे ये सीखना होगा कि उसे उस चीज़ के बिना रहना है चाहे कुछ भी matter क्यों ना हो, क्योंकि जो attachment जो था उस ball के संग वो तो ख़त्म हो गया उसका, तब उसको ये सीखना ज़रूरी है कि यहाँ पर life जो है वो ख़त्म नहीं होती, यहाँ पर हमें सीखना है कि how to face the buy back such things for him. और यहाँ पे वो एक और चीज़ कहते हैं कि बात के वो जो थिंग जो थी वो उसे वापस तो नहीं ला सकते, हर कोई जो है उसको वापस नहीं ला सकते, आपकी जो स्वीट मेमोरीज जो है अगर आप लॉस्ट कर देते तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। द पोएट सेड सो बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम मनी कांट बाय यू एवरीथिंग। यहाँ पे पोएट इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग पैसे जो है, मनी जो है, वो हर एक चीज़ नहीं खरीद सकता। पैसों से आप अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज नहीं खरीद सकते, एक बार अगर वो लॉस्ट हो गई तो आप उसे नहीं बाय कर पाओगे। इफ़ इट डज बाय यू
some materialistic thing, still it will not be able to buy the sense of belongingness. इनकेस अगर आप थोड़ी बहुत जो है मेटेरियलिस्टिक थिंग अगर बाय कर भी लेते हो तो आप इतने एबल नहीं होगे कि आप उसके सेंस जो बिलोंगिंगनेस ऑफ सेंस दैट मीन्स कि उससे जो अटैचमेंट जो होता है जो एक थिंग के संग जो अटैचमेंट होता है हमारा उससे तो आप बाय नहीं कर पाओगे। आप भले मेटेरियलिस्टिक थिंग क्यों ना बाय कर रहे हो, अगर एक बॉल लॉस्ट हो गई है आपने दूसरी बॉल अगर बाय कर भी ली है लेकिन जो स्वीट मेमोरीज और आपकी जो फीलिंग्स जो पुरानी बॉल के साथ थी वो आप नई बॉल के संग अटैच नहीं कर पाओगे। कोई भी चीज़ अगर हम आज नई खरीद भी लेते हैं लेकिन वो जो पुरानी चीज़ों के संग जो अटैचमेंट होता है वो नई के संग इतना जल्दी नहीं आता। ही सेज दैट द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द सेंस ऑफ लॉस्ट थिंग्स। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि लड़का जो है वो सीख रहा है कि किस तरह से जो चीज़ जो खो गई है उसके अगेंस्ट जो है स्टैंड अप होना ज़रूरी है। जब वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती नहीं, उसकी स्वीट मेमोरीज यहाँ पे सिर्फ लॉस तो ये लेकिन उसको फेस करना है ये सारी चीज़ों को। दिस मीन्स दैट द बॉय इज ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ truth of life which states that you have to accept the machineries of life and stand up again. यहाँ पे poet ये कहते हैं इसका मतलब ये है कि लड़के को जो ये सीखना ज़रूरी है कि जो real truth जो होता है life का उसमें किस तरह से उसको accept करना है, जो discomfort है life का और तो उससे बाहर निकलना है और उसके against जो है stand up लेना है। This is the truth which everyone has to learn in his or her life. The harsh truth of standing up against the old miseries of life that everyone has to bear. तो एक तरह से ये सच्चाई है कि हर एक को जो है ये सारी चीज़ अपनी लाइफ में किसी न किसी को अपनी लाइफ में सीखना ज़रूरी रहता है और एक हर्ष ट्रूथ है कि हमें हमारी जो ओल्ड जो miseries that means के old miseries that means के हमारे जो discomfort जो है life का कि हम sad हो जाते हैं unhappy हो जाते हैं अगर हम अपनी कोई thing जो है वो lost हो जाती है हमसे तो उसके against जो है उसके against खड़ा होना है that means के हमें उससे बाहर निकलना है। अगर sadness है तो उससे बाहर निकलना है, unhappy है तो उसके against खड़ा होना है क्योंकि यही life है और यही हमें सीखना है कि अगर आपके लाइफ में अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ जो है आपकी कोई ऐसी थिंग है जिससे आप बहुत अटैच्ड हो और वो अगर लॉस्ट हो जाती है तो अनहैप्पी नहीं होना है। हाँ थोड़ी देर के लिए आप अगेंस्ट हमें स्टैंड अप लेना होगा तभी जाके जो लाइफ है वो आगे चल पाएगी, अदरवाइज हम लाइफ से सीख नहीं पाएंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये थी द बॉल पोयम जो कि यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टैंजा है और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, हाउ हैज़ द लॉस अफेक्टेड द बॉय। और एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएट नॉट ऑफर द बॉय मनी टू बाय अनदर बॉल। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है स्टोरी आपकी पोएम की और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।